हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि फिलहाल पूरे देश भर में लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी सभी के लिए ये बेहतर है कि सब अपने घरों में रहे और एक दूसरे के संपर्क में आने से बचे। तभी जो ये जो चेन है कोरोना वायरस की, ये टूटेगी और हम सभी इसके प्रभाव से बच पाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, जो ये लॉकडाउन किया गया है, इसके वजह से हर एक क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है। यहाँ तक कि दोस्तों सभी लोग जो हैं वे अपने घरों में हैं फिलहाल और बाहर जाने से बच रहे हैं और यही सबके लिए फायदेमंद है। तो ऐसे में दोस्तों जो सीरियल वगैरह थे, उनकी जो मूवीज बन रही थी, सबकी शूटिंग पे फिलहाल रोक लगा दी गई है। जैसा कि जो मूवीज आगे आने वाली थी उनकी जो रिलीज डेट है उनमें बड़ा चेंज हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है इसके बाद सभी की शूटिंग रुक चुकी है। तो ऐसे में जो टाइम पे उन्हें शूटिंग कंप्लीट करनी थी या फिर एपिसोड कंप्लीट करने थे, वह हो नहीं पाए और ऐसे में आने वाले जो एपिसोड्स वगैरह है टीवी सीरियल्स के, वो हमें कहीं ना कहीं रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिल सकता है। खैर दोस्तों, कुछ एपिसोड आगे तक शूट कर लिए जाते हैं टीवी सीरियल्स के, तो वह कुछ एपिसोड देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जो सीरियल आएंगे उसमें या तो हमें रिपीट टेलीकास्ट एपिसोड दिखाए जाएंगे या फिर फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जा सकती है, ताकि सीरियल कंटिन्यू चलता रहे। लेकिन दोस्तों इसी के साथ अब भारतीय सरकार द्वारा एक ऐसा कदम उठाया गया है जो कि वाकई में काफी ज्यादा सराहना वाला कार्य है ये। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि हम पूरे दिन फिलहाल घरों में रहते हैं, तो ऐसे में एंटरटेनमेंट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम मानसिक रूप से भी प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसे में टीवी सीरियल्स की शूटिंग रोक दी गई है जो प्रेजेंट में चल रहे थे, लेकिन अब दोस्तों जो टीवी सीरियल तो रुक गए हैं और रिपीट टेलीकास्ट देखना ज्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अब एक सीरियल फिर से, एक ऐसा सीरियल लौट रहा है जो कि भारतीय टेलीविजन को जिसने एक नई दिशा दी थी। और उस सीरियल के कारण कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन हुआ करती थी कि लोग उस सीरियल को देखने के लिए अपने सारे काम छोड़कर एक जगह इकट्ठे हो जाते थे और एक कर्फ्यू की तरह ही माहौल हो जाता था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रामानंद सागर की रामायण के बारे में। दोस्तों रामानंद सागर की जो रामायण है वह फिर से लौटने वाली है टेलीविजन पे, वो भी कल से ही। दोस्तों डीडी नेशनल पे आपको सुबह 9 बजे इसका एपिसोड देखने को मिलेगा। पहला एपिसोड कल 9 बजे इसका आपको देखने को मिलेगा डीडी नेशनल दूरदर्शन पर, जहां पर दोस्तों इसके लगातार फिर उसके बाद जो इसके एपिसोड है वह प्रसारित किए जाएंगे। और ये काफी ज्यादा शानदार सीरियल है, क्योंकि दोस्तों हमने कई सारी रामायण देखी है। जैसे कि मैंने भी कई सारे टीवी सीरियल पे जो कि रामायण पर आधारित है वो देखे, जैसे कि आशीष शर्मा का सिया के राम और भाई हिमांशु सोनी का राम सिया के लव कुश जैसे सीरियल हमने सभी ने देखे हैं। लेकिन दोस्तों जब भी आप किसी भी बड़े आदमी से पूछेंगे जिसने रामानंद सागर की जो रामायण वो देखी है, तो वो सिर्फ यही कहेंगे तुम क्या बेकार की रामायण देख रहे हो, रामायण तो वो थी जिसमें अरुण गोयल और रामानंद सागर ने अपनी मुख्य भागीदारी निभाई थी और राम का किरदार अरुण गोयल ने निभाया था और दारा सिंह हमें हनुमान जी के रूप में देखने को मिले थे। तो ऐसे में दोस्तों जो अब तक हमने रामायण वगैरह देखी है, न्यू जो उसके बाद आई है, वो शायद इतनी फेमस नहीं हुई जितनी रामानंद सागर की रामायण हुई थी उस समय में, और आज भी लोग उसे याद करते हैं और सबसे फेवरेट उसे माना जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब वह सीरियल प्रसारित किया जाता था पहले के समय में, तो लोग अपने सारे काम छोड़ दिया करते थे और जिस घर में टीवी हुआ करती थी, क्योंकि पहले हर घर में टीवी शायद बहुत कम हुआ करती थी, तो ऐसे में जिस भी घर में टीवी हुआ करती थी वहां पर पूरी तरीके से भीड़ लग जाती और सड़कें उस समय पर पूरी सुनसान हो जाया करती थी। तो इस बार ये शानदार कदम उठाया गया है एंटरटेनमेंट की दुनिया में भी भारतीय सरकार द्वारा, जो कि हम सभी को एंटरटेन करने के साथ साथ हमें काफी ज्यादा मानसिक रूप से भी प्रभावित करेगा, क्योंकि किस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से बिना किसी सुख सुविधा के राम जी ने भी वनवास काटा था और वहीं पे उन्हें भी कई सारी परेशानियों को सामना करना पड़ा था, लेकिन अंततः सत्यता की जीत हुई। तो ऐसे में संदेश भी देगा ये सीरियल हमें एक, और इसके साथ धार्मिक कथाओं का भी ज्ञान हमें देगा। तो ये सीरियल होने वाला है काफी ज्यादा शानदार। अरुण गोयल, दारा सिंह और भी कई मुख्य किरदार हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप भी मुझे कमेंट बताइए कि क्या आप कल सुबह 9 बजे से डीडी नेशनल दूरदर्शन पर देखने वाले हैं रामानंद सागर की रामायण या फिर नहीं। दोस्तों कमेंट बताइए और कितने ज्यादा एक्साइटेड है इसे देखने के लिए ये भी बताइए, और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको देता रहूंगा। अगले वीडियो में फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।